फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई, आज का दिन है सैटरडे का और दिन के बज गए 11:30। मैं सो के उठा भी तो चाय पी रहा हूँ। और आज की जो वीडियो रहेगी ना, बहुत टाइम से मैंने जो विजय की अपडेट है वो नहीं आई वीडियोस, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, और बीच में कुछ बंदों की ये हेल्प की वीडियो आ रही थी बाइक राइडर के लिए, कुछ बंदों को जिनकी जॉब लगी, तो उसमें थोड़ा सा बिजी था मैं अभी। फिर थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया जिसके कारण मैं कुछ भी वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो यार मौसम धूप अच्छी है यार। पहले अगर जो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, जिससे यार हमारा एक जो भी कोई भी वीडियोस बनाता है उसको मोटिवेशन और बढ़ जाता है। मतलब उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो आपके वीडियोस लाइक कर रहे हैं। बाकी 50,000 अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, 46 हो गए, तो थैंक यू सो मच सभी को। तो भाई आते हैं सीधा कि भाई हमारे इधर से, हाँ इधर इधर की साइड से थोड़ा सा काला आ रहा है गोरे तो है नहीं भैया, मतलब मीडियम ही है यार। हवा चल रही है, एक सेकंड यार। वीडियो बनाते बनाते एक माइंड में एक सॉन्ग आया, जो एक सॉन्ग था ना दिन है इतवार का, तो आज का वो है दिन है शनिवार का, चाय का मजा लीजिए। ठीक है भाई, तो आई थिंक वीडियो में हवा की ज़्यादा आएगी, आई थिंक माई होल्डिंग तो थोड़ा साइड में हो जाते हैं गाड़ियों के बीच में। तो भाई सीन क्या है देखो यार, कि विजिट वीजा वर्क वीजा के क्या सीन चल रहे हैं, मतलब जो ट्रैवल की अब जो अपडेट है। देखो यार, बहुत सारे बंदे अभी कन्फ्यूज़न हैं कि भाई जो बंदे इंडिया के अंदर में हैं और उसको दुबई आना है, तो दुबई आने के लिए उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने माइंड में। ओनली दुबई के लिए शारजा, अबू धाबी, अजमान, इनकी अलग रिक्वायरमेंट है। मैं ओनली दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में रहता हूँ तो मेरे को दुबई के बारे में पता है, अबू धाबी के बारे में मेरे को नहीं पता भाई, इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, शारजा के क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोस्टली डिफरेंट। लोगों से पहले ही बोला था कि यार जैसे ही ट्रैवल का एक्सपो ओपन होता है दुबई में, तो ट्रैवल इतना इजी हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा। देखो पहले क्या था, वैक्सीन कंपलसरी था, लेकिन दुबई ने उसको भी ख़त्म कर दिया कि आप भाई आपको वैक्सीन लगाओ नहीं लगाओ, बट आपने अपना जो कोरोना टेस्ट है वो आपने कराना है किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में आप हो, और आपको कोरोना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाओ यार प्लेन ही जाओ उसके बाद। ठीक है, और उसके पहले इंडिया के अंदर में एक RT-PCR टेस्ट कुछ ऐसा होता है, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता यार क्योंकि मैंने ट्रैवल नहीं किया अभी, तो वो कंपलसरी कराना पड़ता है 48 घंटे पहले, एक एयरपोर्ट के अंदर में होता है। उनके चार्जेस होते हैं दोनों के, मेरे को नहीं पता कितने होते हैं भाई, लेकिन इतना मेरे को पता है कि जो एयरपोर्ट के अंदर में होता है इसका शायद 3,000 से 4,000 रुपये कुछ चार्जेस होता है, जो बाहर होता है उसका कम चार्जेस होता है, इसका जो 48 घंटे पहले होता है। ठीक है, तो ये सारे सीन है भाई, और ट्रैवल के लिए बहुत इजी है दुबई अभी भी। बहुत सारे बंदे जितने भी कन्फ्यूज़न थे कि भाई हमको वैक्सीन नहीं लगा, हम दुबई में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल ऑफकोर्स आ सकते हो, आपका जो जो जैसे बताया मैंने सेम ये रिक्वायरमेंट फॉलो करो आप, आपको ट्रैवल में दुबई के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी दुबई में जॉब्स के तो अभी जो कोई जॉब्स ढूंढने के लिए दुबई में आ रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है। ओनली वाइट कलर जॉब वालों को बोलता हूँ मैं हमेशा, जिनको अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बंदे आए थे जो मेरे से कॉन्टैक्ट, वो मिले भी नहीं अभी तक मेरे को, बहुत सारे बंदों को, लड़की आई थी, ठीक है नाम नहीं मैं रिवील करूँगा, ठीक है, उनको जॉब्स मिल गई। तो मतलब दुबई के अंदर में अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स मार्केट के अंदर में जंप किया है, और जिनको अपनी होम कंट्री के अंदर में एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कोई भी लंजू पंजू बीकॉम किया, बीटेक किया या बारहवीं किया और वो आ गया विजिट वीज़ा पे लेके, तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है ना, जिनको अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस है उन लोगों को एक प्लस पॉइंट ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उनको होम कंट्री का एक्सपीरियंस है तो उनको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो यही सारे सीन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर बाय। मेरी चाय रखी हुई है यार, अभी भी चाय पीता हूँ।